एक सोनी पांडे का सवाल मेरे पास में है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर प्रणाम। चूंकि मैं एक गृहिणी हूं तो मेरा सवाल किचन से ही आता है। पिछले चुनाव में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था, हाय महंगाई बहुत जोरों से था, पर इस बार हम देख रहे हैं कि ये मुद्दा बिल्कुल नल एंड वाइड है और विपक्ष इस बात के लिए बहुत परेशान है कि आप मतलब अब वो चुनाव लड़े तो लड़े किस बात पे, और उन्हें आपसे शायद इस बात की शिकायत भी है कि उन्होंने आपने उनके लिए कोई मुद्दे नहीं छोड़े, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। 2014 के अखबार निकाल दीजिए, 2013-14 के हर दिन खबर क्या होती थी, बहन बेटियों की असुरक्षा की खबरें रहती थी, महंगाई, दाल का दाम इतना, पूरा चुनाव का मुद्दा बन गया था। फिर दूसरा घोटाले, कोयला में घोटाला, 2G में घोटाला, सबमरीन में घोटाला, हेलीकॉप्टर में घोटाला, तीन खबरों से भरा पड़ा रहता था और चुनाव शुरू होने से पहले एक प्रकार से माइंड ऑक्यूपाई कर लिया था। पिछले 5 साल में हमारी सरकार की एक विशेषता रही है, करीब करीब 90 के बाद और एक प्रकार से तो आजादी के बाद पांचों साल हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा हो और लोएस्ट इन्फ्लेशन रहा हो, तो इसी सरकार ने मॉडल दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये सिद्धि को अभी हम उत्सव मनाना सीखे नहीं है, और इसके कारण नेगेटिविटी का जो अभाव है उसके कारण चुनाव डर लगता होगा, लेकिन सिद्धि का उत्सव भी हो सकता है। और इस चुनाव में मैं हमेशा कह रहा हूं कि बहुत सालों के बाद प्रो इनकम्बेंसी वेव है। आम तौर पर ज्यादा वोट होता है सरकार को हटाने के लिए, इस बार देखा जा रहा है कि बढ़ चढ़ करके 2014 से ज्यादा वोट हो रहा है इस सरकार को दोबारा बिठाने के लिए।